हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यूर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है आप लोगों का 20 नवंबर और आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो ये शुरुआत करते हैं वीडियो का। हर वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए जो होमवर्क क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका जवाब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जिस प्रकार से दिया जाता है और आप लोग उनका आंसर आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनका आंसर आप हमें दे सकते हो। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर जो है आ चुका है, तो देखिएगा। कल जो आप लोगों के दो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर ये रहे। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो हाल ही में आपको बताना चाहूँगा, आर के माथुर जो हैं इन्होंने हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है और साथ ही साथ इनको गृह मंत्रालय ने जो है उमंग नरुला को लद्दाख के उपराज्यपाल का सलाहकार भी नियुक्त किया है। ओके, तो उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्ण माथुर ने जो है शपथ ली है और उनके सलाहकार के रूप में उमंग नरुला को ही भेजा गया है। आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर से जो है जम्मू कश्मीर से लद्दाख जो पृथक हो चुका है और अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, आप लोगों से क्या कहता है क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा वर्ष 1970-75 की तुलना में 49.7 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? ये आप लोग बताना है करेंट टाइम में वहाँ की जीवन प्रत्याशा कितना है। तो वर्तमान में यदि हम जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो वर्तमान में जीवन प्रत्याशा जो है 68.7 है भारत की। ओके, स्वास्थ्य मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनके द्वारा नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो है रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा को सर्वाधिक अनुमान लगाया जा रहा है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70 ईयर लगाया जा रहा है, साथ ही साथ पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.4 ईयर है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में 6.19% लोग हाइपरटेंशन और 0.03 लोग हृदय रोग के कारण जो है पीड़ित हैं और 0.26% लोग कैंसर से भी पीड़ित हैं। ओके, तो ये सारी रिपोर्ट से ये जीवन प्रत्याशा एक्चुअल में क्या होता है, इतने वर्ष तक आप सिर्फ जी सकते हो, ये आप लोगों के लिए शेड्यूल्ड रहता है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसका बंडल जो है सेट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से फिर से बोलना चाहूँगा, यदि आप लोगों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर दिन का अपडेट के लिए। कोई भी जॉब अलर्ट होता है, साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम कहीं पर भी आती है तो आप लोग हमें डायरेक्ट जो है किसी भी सोशल साइट पर हमारा अकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा MCG Academy ग्वालियर के नाम से, वहां पर आप लोग अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का आज का दिया गया है, IMD की नवीन विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का 6 स्थान फिसलकर कितने पायदान पर आ गया है? तो IMD की जो प्रतिस्पर्धा थी इसमें भारत का जो है रैंकिंग कम हो चुकी है तो वो 59वें स्थान पर आ चुका है। कुल इसमें 63 देशों ने भाग लिया था और इसमें स्विट्जरलैंड की यदि हम बात करते हैं तो पहले स्थान पर रहा। साथ ही साथ तीन प्रमुख श्रेणियों में प्रदर्शन पर आधारित है जिसमें निवेश, विकास और लोगों के बीच उसकी अपील और तत्परता है। सूची में चीन जो है 42वें स्थान पर, रूस 47वें स्थान पर और दक्षिण अफ्रीका 50वें पायदान पर स्थित है। ओके, तो भारत का स्थान कौन सा है? 59वां स्थान इसमें भारत का है और चीन का 42 है और 47वां रूस का है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का इसमें क्या है आज का, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नए टाइफाइड वैक्सीन की शुरुआत की है? तो निम्नलिखित में से किसने जो है नियमित टीकाकरण के तहत टाइफाइड वैक्सीन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों पाकिस्तान ने। ऑप्शन बी इसमें आप लोगों को राइट आंसर होगा। पाकिस्तान विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन मिस WHO द्वारा मान्यता प्राप्त टाइफाइड वैक्सीन को अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है। यह पहला टाइफाइड वैक्सीन है जो 6 महीने की उम्र के बच्चों को दिया जाता है और टाइफाइड से लंबे समय तक ये सुरक्षा प्रदान करता है। पाकिस्तान में सन 2017 में 70% लोगों की मौत जो है 15 वर्ष से कम लोग उनकी उम्र थी, उन लोगों की मौत जो है कम उम्र के बच्चों की मौत टाइफाइड से हुई है। इस कारण से पाकिस्तान ने इसको अपने नॉर्मल जो साधारण टीका होता है उसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्था द्वारा नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियाँ ब्लॉकों का निर्माण
मीन्स स्वास्थ्य प्रणालियां नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियां ब्लॉकों का निर्माण नामक रिपोर्ट जारी की गई है। तो किस मंत्रालय ने ये जो है जारी किया है कि नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियां, तो ये अपना वो स्वास्थ्य के संबंधित से है तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। नीति आयोग आप लोगों का राइट आंसर होगा। नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक स्पष्ट मार्ग निर्देश जो है प्रस्तुत किया है और इस रिपोर्ट में भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली के 5 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। जन स्वास्थ्य का अपूर्ण एजेंडा पूरा करना, बीमा कंपनियों में निवेश करके साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इन सभी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। और इसके अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि स्वास्थ्य सेवा का बेहतर खरीदार बनने के लिए नागरिकों का सशक्तिकरण और डिजिटल स्वास्थ्य शक्ति का लाभ पाना, इसमें ये सब चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। इसके तहत हमारा जो शिक्षित वर्ग है और अशिक्षित वर्ग, ग्रामीण वर्ग, सभी लोगों को फायदा होने वाला है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, कतर और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में दोहा में 5 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया है। तो कतर और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में दोहा 5 दिवसीय में जो है कतर और किस देश के साथ ये शुरुआत हुई है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। तो कतर और भारत के बीच ये युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, खास तौर से आतंकवाद, समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई और मजबूती होगी। अभ्यास में 3 दिवसीय बंदरगाह चरण और 2 दिवसीय समुद्री चरण शामिल होगा। बंदरगाह चरण के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों में एक संगोष्ठी, पेशेवर संवाद, आधिकारिक दौरे और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। समुद्री चरण में आप लोगों के लिए सामरिक समुद्री अभ्यास को सम्मिलित किया जाएगा, मोस्ट रूप से उसी पर फोकस किया जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आप लोगों के लिए किस दिन मनाया जाता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। ये आप लोगों का मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता को बचाने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के दिवस की क्या थीम थी, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। इस वर्ष की थीम जो थी आप लोगों का, मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मैन एंड बॉयज़ इस वर्ष की जो है इसकी जो आप लोगों के कह सकते हैं थीम थी। भारत में वर्ष 2007 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। इसके बाद से ही भारत में हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। तो 2007 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी, उसके बाद हर साल जो है दो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में जल प्रबंधन के लिए 91 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक और भारत के किस राज्य में जो है ये शुरुआत होने वाली है, तो ये होने वाली है भारत के कर्नाटक राज्य में। इसकी जो है प्रमुखता रूप से इस्तेमाल जो है कृष्ण नदी पर इसका किया जा रहा है। नदी बेसिन प्रबंधन योजना को तैयार करने में भी किया जाएगा, साथ ही साथ AVD के अनुसार इस संबंध में सरकार और डाक बैंक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। बैंक के अनुसार बेसिन प्रबंध योजना से सिंचाई जल को प्रभावित तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। यह कर्नाटक राज्य की जल सुरक्षा को सतत बनाने के लिए भी सहायता प्रदान करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स क्वेश्चन वही होते हैं जो आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है आप लोगों से, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा पाकिस्तान को FATF की कार्य योजना लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की पेशकश की गई है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जो है पाकिस्तान को FATF की कार्य योजना लागू करने की तकनीकी प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है आप लोगों की EU। तो आप लोगों को EU नाम से जो यूरोपियन यूनियन है, इसने वित्तीय कार्रवाई और कार्यबल अर्थात कह सकते हैं FATF की कार्य योजना लागू करने के लिए पाकिस्तान को तकनीकी सहायता मुहैया कराने की पेशकश की है। वैश्विक आतंकी वित्तीय लेन देन पर नज़र रखने के लिए, और साथ ही साथ FATF ने पिछले महीने पाकिस्तान को ग्रे सूची यानी कह सकते हैं एक निगरानी वाली सूची से जो है रखा गया है, अगले साल फरवरी तक के लिए रखा है।
पाकिस्तान 7 दिसंबर तक अपनी अगली रिपोर्ट एफएटीएफ की क्षेत्रीय इकाई एशियाई पैसिफिक ग्रुप को सौंपने वाला है। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस वही होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं आप लोगों का समय ज़्यादा लेना नहीं चाहता, इस कारण से आप लोगों को कंटिन्यू क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन हाल ही में, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, न्यू दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में 13 नवंबर से 16 नवंबर 2019 के बीच प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह पहला राष्ट्रीय रसायन सम्मेलन था। अब इसे प्रत्येक 3 साल तक आयोजित किया जाएगा और सम्मेलन का आयोजन कीटनाशक प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। साथ ही साथ कीटनाशकों के उपयोग और उनके लाभ और जोखिमों के बारे में भी तुलना में अधिक रूप से सभी लोगों को जो है जानकारी परिचयदान इसके द्वारा किया जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली साहिनी वन मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली साहिनी नाम की जो मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल सभी प्रकार के हथियारों को टारगेट पर हिट करने में सक्षम है। यह 650 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह जानकारी पाकिस्तान सेना ने प्रेस रिलीज जारी करके दी और इसका उद्देश्य सेना के उपयोग के लिए मिसाइल की उपलब्धता जांचना था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, भारत सरकार द्वारा सभी वाहनों को फास्ट टैग लगवाने के लिए कौन सी समय सीमा तय की गई है? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक समय सीमा तय की गई जिसके तहत ये डेट फिक्स की गई है कि 1 दिसंबर तक सभी को फास्ट टैग लगवाना होगा। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने तथा पारदर्शिता बढ़वाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुल्क जमा के सभी लेन देन को 1 दिसंबर 2019 से फास्ट टैग लेनों के रूप में घोषित किया जाने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है। ये फास्ट टैग क्या होता है, वाहन को देखकर ही फुल डिटेल और साथ ही साथ उसका पेमेंट अकाउंट थ्रू कट जाता है। ओके, अच्छा है ये भी। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चंस। मैंने जो कुछ भी करवाया है रिलेटेड क्वेश्चंस और साथ ही साथ लास्ट डेट्स की वीडियो से मैं आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चंस देता हूं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन जो पहला दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में SBI बैंक इंडिया पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? ये आप लोगों को आंसर्स देना है। अगला और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे गेम्स को बिलोंग करता है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन शू खिताब जीता है? तो ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोगों को इनका आंसर देना है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। थैंक्स फॉर